हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है एपिक फ्रेश ज्ञान में। वीडियो के आगे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम बताने वाले हैं बेल के बारे में, जिसे इंग्लिश में एगियल मार्मेलस कहा जाता है। आज हम बेल के बारे में जानकारी देंगे, तो शुरू करते हैं। एगियल मार्मेलस को अधिकतर इंडियन बेल के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल बेल भी कहा जाता है, गोल्डन एप्पल कहा जाता है, जापानीज बिटर ऑरेंज भी कहा जाता है और वुड एप्पल भी बोला जाता है। और ये रेयर स्पीशी है पेड़ की, जो बस भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम है एगियल मार्मेलस। और ये फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है ये, रूटेंशिया। और इसका किंगडम है प्लांटिया। इसके मजबूत कवच वाले फल में एक फाइबरस, फ्लैशी और फ्रूटी और एरोमेटिक पल्प होता है, जूसी पल्प होता है, जिसके कारण ये बहुत सुगंधित, मीठा और अच्छा रहता है खाने के लिए। बिलाव फ्रूट सिमिलर टेस्ट होता है पैशन फ्रूट की तरह। इसमें जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, अल्फा फेरगार्नाइन, इग्लाइन, ओ आइसो पेंटाइल हेल्फोर डाइनॉल, ओ मिथाइल हेल्फोर डाइनॉल, इसकी 15 वैरायटी भारतीय में पाई जाती है, भारतीय के ही कुछ शहरों में पाई जाती है, जिसका अलग अलग स्वाद है। पके हुए बेल को लैक्सेटिव के लिए उपयोग किया जाता है और बेल के फूलों का उपयोग परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। बेल के फल से निकला हुआ तेल को लकड़ियों पर यूज किया जाता है, जिससे वो अच्छे बने रहे। इनकी पत्तियाँ ज़्यादातर 3 मुए होती हैं और ज़्यादातर 4 भी पाई जाती है, 5 भी पाई जाती है, पर वो बहुत दुर्लभ पाई जाती है। बेल के ट्री को या बेल के पेड़ को हिंदुओं में बहुत शुभ माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है। इसे भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।